मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। पिछले लगभग दो सप्ताह पहले, भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए और ये जो 5 आणविक परीक्षण हुए जमीन के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये 5 सफल आणविक परीक्षण करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अच्छे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 सफल आणविक परीक्षण किए इसके बाद की घटना ये है, हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी और जापान ने भी लगा दी। अमेरिका ने और जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 5 अणु विस्फोट किए हैं और ये 5 अणु विस्फोट जब भारत के वैज्ञानिकों ने किए तो अमेरिका ने और जापान ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। तो तकलीफ क्या है अमेरिका को? विस्फोट हमने किए, हमारे वैज्ञानिकों ने किए, हमारी जमीन पर किए, हमारे पैसे से किए। अमेरिका को क्या तकलीफ है कि आपने ये क्यों किया? क्या तकलीफ है? हम अपने पैसे से अपने घर में कुछ भी करें, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम ये करो या मत करो? और तकलीफ इसलिए भी ज्यादा है मुझको कि जो अमेरिका की सरकार हमको कह रही है कि हमने ये 5 अणु विस्फोट क्यों किए, उस अमेरिकी सरकार ने खुद 1047 अणु विस्फोट किए। तो जब अमेरिका ने खुद अब तक 1945 के साल से लेकर 1000 से ज्यादा अणु विस्फोट कर लिए हैं, वो अमेरिका को यह कहने का अधिकार किसने दिया है कि भारत सरकार ने यह क्यों किए 5 अणु विस्फोट? और आपको मैं जानकारी दे दूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 6 अणु विस्फोट किए हैं। 1974 में किया था, 5 अभी किए हैं और ये 6 के 6 अणु विस्फोट हमने जमीन के अंदर किए। हमारे वैज्ञानिक चाहते तो वो जमीन के ऊपर भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि जमीन के ऊपर अणु विस्फोट करने का नुकसान बहुत होता, लोग मरते हैं उसमें, रेडिएशन फैलता है और सालों साल तक उसका नुकसान होता रहता है। तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की बुद्धिमत्ता दिखाई, चतुराई दिखाई कि वो जमीन के अंदर किए हैं 5 के 5 अणु विस्फोट। 6वां अणु विस्फोट जो 74 में किया था वो भी जमीन के अंदर किया था ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, और नुकसान हुआ भी नहीं है। क्या नुकसान हुआ है? 5 अणु विस्फोट करने का इतना नुकसान हुआ है कि पोखरण गांव के 2 लोगों की दीवार थोड़ी सी चटक गई है, बस। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, टेलीविजन पे मैं समाचार देख रहा था किसी भाई के घर में खाना खाते समय, तो वो दोनों के दोनों किसान जिनके घर की दीवार चटक गई है उन्होंने क्या कहा जानते? कि ये घर की दीवार अगर गिरेगी तो दोबारा बन जाएगी, मेरे राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ। इसका मतलब क्या है? हमारे देश के 2 किसानों को इतनी बुद्धिमानी है कि वो ये कह रहे हैं कि घर की दीवार गिरेगी तो दोबारा बन जाएगी लेकिन राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ है। इतनी बुद्धिमानी हमारे देश के कुछ बड़े बड़े बेवकूफ नेताओं को नहीं है जो कह रहे हैं कि गलत समय पर परीक्षण किया। आप देखिए कि जो साधारण किसान इतना बुद्धिशाली है वैसे हमारे देश के नेताओं में बुद्धि नहीं, और दुर्भाग्य से ऐसे नेताओं को आप बार बार मंत्री बनाते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं, सब करते रहते हैं, जो इतने भी बुद्धिशाली नहीं। और वो कह क्या रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी मुझे बहुत तकलीफ हुई एक दिन अखबार में यह पढ़कर कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि अमेरिका द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है, जापान द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है, उसका बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा हमारे देश को। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्या नुकसान हो जाएगा हमारे देश को। अमेरिका में एक कानून है सन 1994 का बनाया हुआ। वो कानून क्या है? 1994 में अमेरिका की संसद में कानून बनाया था कि जो भी देश अणु बम का परीक्षण करेगा उसको अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। तो हमारे देश ने अणु परीक्षण किया,
तो अमेरिका की सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता हमारे देश को बंद हो जाएगी। तो कितनी आर्थिक सहायता देता है अमेरिका हमको? हमारे देश के नेता जो गांव गांव चिल्ला रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इन सबके लिए मैं ये सवाल कह रहा हूं और आपके दिमाग में भी ये बिठाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना आर्थिक नुकसान होगा हमारा। हमारे देश के जो 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर उन सबकी एक एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए तो वो उतना ही पैसा है जितना अमरीका हमको एक साल में आर्थिक मदद देता। तो क्या हमारे देश के 40 लाख कर्मचारियों में इतनी भी राष्ट्रभक्ति नहीं है कि वो अपने एक एक दिन की तनख्वाह दान करते हैं राष्ट्र के कोष के लिए? तो आपको जवाब मिलेगा कि है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों ने पहले ही बार में यह फैसला कर लिया कि वो अपने एक एक दिन की तनख्वाह राष्ट्र के कोष में दान करेंगे। और जिस दिन मैंने ये खबर पढ़ी, उस दिन मैं पूना में था और उस दिन शाम को मेरा व्याख्यान था पूना में, जनता सहकारी बैंक है पूना में एक, तो उस दिन मेरा व्याख्यान उन्होंने आयोजित किया था। तो मैंने उस व्याख्यान में कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारी ये तय कर सकते हैं कि वो अपने एक एक दिन की तनख्वाह दान करेंगे राष्ट्र कोष में, तो आप नहीं कर सकते क्या? तो जनता सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों ने भरी सभा में कहा कि हम आज ही नक्की करते हैं, फैसला करते हैं कि हम अपने एक एक दिन की सारी तनख्वाह दान कर देंगे राष्ट्र के कोष में। तो 40 लाख कर्मचारी अगर एक एक दिन की तनख्वाह दान कर देंगे राष्ट्र के कोष में, तो अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदी का हमारे पास पूरा का पूरा इलाज है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर, जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि वो 15 अरब डॉलर दान करने जा रहे हैं भारत सरकार को। तो ये 15 अरब डॉलर तो इतना पैसा होता है कि 5-6 साल तक अमेरिका हमको मदद दे या ना दे, भाड़ में जाए अमेरिका, चूल्हे में जाए, हम हमारा काम कर सकते हैं। और अभी तो मैंने इसमें उनकी गिनती ही नहीं की है। हमारे देश में 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो ये 1 करोड़ लोग अगर इस साल 1% इनकम टैक्स बढ़ाकर दे देंगे अपनी इच्छा से, तो राष्ट्र का कोष इतना भर जाएगा कि 10 साल की भी अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है हमको, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अमेरिका मदद दे या ना दे, हम हमारा काम अच्छे से करेंगे। इसके विपरीत एक अच्छा काम हो गया है इस देश में। क्या हो गया है? पूरे देश में एक लहर चल गई है। हर आदमी कहता है बहुत अच्छा हुआ, हर आदमी कहता है बहुत अच्छा हुआ। और ये जो लहर चल गई है, मैं देख रहा हूं कि लोगों के चेहरे पर चमक आ गई है ये कहते हुए कि बहुत अच्छा हुआ, माने उनका स्वाभिमान जागृत हुआ। और आप समझ लीजिए, साधारण आदमी का जब इतना स्वाभिमान जागृत हुआ है, तो हमारे देश के सैनिकों का स्वाभिमान कितना बढ़ा होगा जो सेनाओं पर देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम हो गया, ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। और एक ऐसी राष्ट्रभक्ति की लहर पूरे देश में चल रही है कि हर आदमी मुझसे पूछता है कि राजीव भाई बताओ मैं क्या करूं इस देश के लिए। वो कभी पहले नहीं पूछता था मुझसे कि मैं क्या करूं इस देश। जब अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, जापान ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, तो हर आदमी कहता बोलो मैं क्या करूं इस देश की। तो हर आदमी को अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिल गया है। बहुत बार ऐसा समय नहीं आता, जब युद्ध होता है किसी देश के ऊपर, जब आक्रमण होता है बाहर से, तब ऐसा समय आता है, और वो आज हमारे देश के सामने है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोग जाति धर्म भेद संप्रदाय भूलकर अभी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी मुझे एक मुसलमान भाई मिला पूना में, मेरा व्याख्यान सुनने के बाद उसने नक्की किया, वो कहने लगा राजीव भाई मैंने फैसला किया है कि अमेरिका की सिटी बैंक में मेरा पैसा जमा है वो सब मैं निकाल लूंगा और मुझे सिटी बैंक नहीं चाहिए। पूना में एक लहर चली है, 10-12 व्याख्यान इस बीच मेरे हुए, तो पूना में लहर यह चली है कि बहुत सारे लोगों ने अपने सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए। जब वो लोग मुझसे पूछते थे कि राजीव भाई हम क्या करें, तो मैंने उनको बताया कि अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, अमरीकी बैंकों का बहिष्कार करिए। तो अमरीका की सबसे बड़ी बैंक है सिटी बैंक, जिसका धंधा हमारे देश में चल रहा है और उसका सिटी कार्ड हमारे देश में सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिटी बैंक का कार्ड सरेंडर करिए। तो मैं आपको बताऊं कि पूना में अब तक 30 लोगों ने अपने कार्ड मेरे सामने फाड़े हैं आंखों के कि हम ये नहीं करेंगे। और एक मुसलमान भाई मिला, उसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा था सिटी बैंक में, उसने कहा मैंने चिट्ठी लिखी है कि मेरा वो पैसा वापस करो। तो सिटी बैंक के अधिकारियों ने उसको धमकी दी कि तुम्हारा जो पैसा तुम वापस करोगे इस पे हम तुमको ब्याज नहीं देंगे। उसने कहा ब्याज जाए भाड़ में चूल्हे में, मेरा पूरा पैसा वापस करो, मुझे सिटी बैंक नहीं चाहिए। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक साथ पूरे देश के लिए खड़े हो गए हैं। ऐसा समय कभी कभी किसी देश के इतिहास में आता है, और मैं मानता हूं कि यह बहुत ऐतिहासिक समय है। सारे देश को एक साथ राष्ट्र के लिए खड़ा करने का एक सूत्र मिल गया है, और मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छी बात हुई है।
ये बहुत प्रसन्नता की बात है। सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 5 इतने सफल आणविक परीक्षण किए कि अमरीका को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि क्या हो गया हमारे। अमरीका के 2-2 सैटेलाइट हैं हमारे देश में जासूसी करने के लिए, और उनके हजारों CIA के एजेंट चप्पे चप्पे पर बिछे हुए हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की चतुराई देखिए कि अमरीका को पता भी नहीं चला और 5 के 5 परीक्षण हो गए। अमरीका को पता क्या चला? उनके सैटेलाइट ने यहां से खबर भेजी थी वॉशिंगटन कि पोखरण में धरती कंप हो गया है। तो अमरीकी वैज्ञानिकों ने जब वो खबर पढ़ी सैटेलाइट की कि पोखरण में धरती कंप हो गया है, तो अमरीकी वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि चलो धरती कंप तो होते ही रहते हैं। उनको पता तब चला जब भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि धरती कंप नहीं, हमने एटॉमिक रिएक्शन परीक्षण किया है, धरती कंप नहीं हुआ। तब बिल क्लिंटन के पेट में दर्द पैदा हुआ कि ये हो क्या गया। और पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने अपनी CIA की एजेंसी को सरे आम डांट दिलाई है, लताड़ा है कि आपके ऊपर हम अरबों डॉलर खर्च करते हैं और आप इतनी सी जानकारी नहीं दे पाए कि भारत सरकार क्या करने जा रही है, भारत के वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं। तो अमरीका के पेट में सबसे बड़ा दर्द यह है कि बिना अमरीका की जानकारी के भारत के वैज्ञानिकों ने यह कैसे कर लिया। माने यह है कि अगर हम उनको बता के करते तो शायद उनके पेट में दर्द नहीं होता। एक दूसरी तकलीफ और है अमरीका को। दूसरी तकलीफ क्या है कि हमने ये जो 5 के 5 परीक्षण किए उनमें से 3 परीक्षण हाइड्रोजन बम बनाने वाले हैं और 2 परीक्षण एटम बम बनाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम एटम बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो अमरीका को अब इस बात की चिंता हो गई है कि भारत के वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं, एटॉमिक बम भी बना सकते हैं, और अगर भारत के वैज्ञानिक ये खुद बना लेंगे तो कभी अमरीका से खरीदने नहीं आएंगे, और अगर अमरीका से हम खरीदने नहीं आएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी चौधराहट भी खत्म हो जाएगी। ये उनकी सबसे बड़ी तकलीफ। दूसरी तकलीफ क्या है अमरीका को? दूसरी तकलीफ उनको यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो परीक्षण किए हैं और उसके बाद जो घोषणाएं की हैं वो ये है कि भारत के वैज्ञानिक 1 करोड़ रुपए में 1 बम बना सकते हैं। अमरीका में यही बम करोड़ों डॉलर में बनता, हां, जो हम सिर्फ 1 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। तो जो करोड़ों डॉलर में उनके यहां बनता है वो हम 1 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। तो अमरीका को तकलीफ ये हो रही है कि अगर भारत के वैज्ञानिकों ने बनाकर इसको बेचना चालू कर दिया तो अमरीका की तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सस्ता है और क्वालिटी में बहुत अच्छा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। वरना अमरीका के तकलीफ का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है जब अमरीकी सरकार ने खुद 1000 से ज्यादा आणविक परीक्षण किए। और एक बात और बता दूं मैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये 5 के 5 परीक्षण शांतिपूर्वक किए हैं, जबकि अमरीका ने अपने 2 आणविक परीक्षण लोगों के ऊपर किए थे। पहला किया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और दूसरा किया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने अपने पहले 2 आणविक बम गिराए थे, जिसका नतीजा यह निकला कि 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प के मर गए उसमें। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो अपने आणविक परीक्षण ही किए लोगों की जान लेकर, हमारे वैज्ञानिकों ने आणविक परीक्षण किए हैं जमीन के अंदर, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। हम आज भी शांतिप्रिय देश हैं, किसी की जान नहीं लेना चाहते। अमेरिका हमेशा से दूसरों की जान पर ही खेलता रहा है। और इस अमेरिका ने ये जो 2 परीक्षण किए थे 1945 में, उसके बाद अमेरिका ने बंद नहीं किया, दुनिया के तमाम दूसरे देशों पर बम गिराए हैं और करोड़ों लोगों को मारा है। आप देख लीजिए 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जहां जहां युद्ध हुए अमेरिका ने ही बम गिराए और उन्होंने ही हथियार बेचे। अमेरिका दुनिया में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा सौदागर है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसका 2/3 हिस्सा हथियारों की बिक्री से आता। दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है अमेरिका के ही हथियार बिकते हैं। 1945 के बाद दुनिया में 325 युद्ध हो चुके हैं, जो कभी भी अमीर देशों की जमीन पर नहीं हुए। आखिरी युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अमीर देशों की जमीन पर हुआ। उसके बाद इन सारे देशों ने आपस में समझौता कर लिया कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। जर्मनी में नहीं होगा, फ्रांस में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, स्वीडन में नहीं होगा, स्विट्जरलैंड में नहीं होगा। ये जितने अमीर देश हैं इन्होंने सबने नक्की किया, फैसला किया कि हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन यही देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। तो इनकी नीति क्या है, इनका असली चेहरा क्या है? इनका असली चेहरा है कि खुद युद्ध नहीं लड़ेंगे और अपनी आदमी अपनी सेनाओं को नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरे देशों को मरवाने के लिए हथियार बनाएंगे। तो 12 देशों ने 1945 के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद दुनिया में 325 युद्ध हुए हैं,
सब गरीब देशों की जमीन पर हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, दो बार तो हो ही चुका, तीसरी बार भी हुआ था, छोटा सा था। भारत चीन के बीच में हुआ, ईरान इराक के बीच में हुआ, सूडान लीबिया के बीच में हुआ, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में हुआ, वियतनाम में हुआ है, फिलीपींस में हुआ है, उसके बाद लैटिन अमेरिका में चले जाइए, वहां हुए हैं। दुनिया के सारे गरीब देशों की जमीनों पर 325 युद्ध हुए हैं और उसमें अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका ने बेचे हैं। आज भी अमेरिका की वही पॉलिसी है कि दुनिया में जहां भी युद्ध होंगे हथियार उनके बिकेंगे। अब हथियार उनके नहीं बिक पाएंगे, दूसरा देश भी बेच सकता है, इसलिए उनको ये तकलीफ सबसे ज्यादा है। और इसके विपरीत मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अमरीका ने यह जो पाबंदी लगाई है उसके पीछे, हमारे यहां हिंदी में एक कहावत है, अगर आप उसको समझ सकें तो मैं आपसे कहूंगा। हिंदी में एक कहावत होती है, उसमें हम कहते हैं 100-100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। माने पहले 100 चूहे खा लेती है, फिर बिल्ली कहती है हज की यात्रा कराएं, पवित्र हो जाएं। वैसे ही अमेरिका की हालत है, दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मार दिया बम गिरा गिरा के, परीक्षण कर करके। अब वो अमेरिका कह रहा है कि भारत सरकार को यह नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहा है, इससे पूरी दुनिया में शांति को खतरा पैदा हो जाएगा। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत 5000 साल से शांतिप्रिय देश है और पिछले 5000 साल से हमारे देश की कभी कोई सेना दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई। और पिछले 1500 साल का इतिहास तो हमारा लिखित इतिहास है कि हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। तब भी नहीं किया जब हमारे देश में बड़े बड़े राजा होते थे, शूरवीर राजा होते थे। हमारे देश का एक सबसे ताकतवर राजा था सम्राट अशोक, लेकिन कभी नहीं गया दूसरे देश पर आक्रमण करने। सम्राट अशोक ने अपने बेटे बेटियों को दूसरे देश में भेजा था धर्म का प्रचार करने के लिए, ना कि कभी आक्रमण करने। सम्राट अशोक के बाद जो दूसरा बड़ा राजा माना जाता है हर्षवर्धन, वो भी कभी नहीं गया दूसरे देशों पर आक्रमण करने। हर्षवर्धन के बाद जो दूसरा राजा माना जाता है उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो भी कभी नहीं गया दूसरे देश पर आक्रमण करने। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए गया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर बाहर से हजारों आक्रमण हुए। 3rd century BC से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था हमारे ऊपर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने तक हमारे ऊपर 1000 आक्रमण हो चुके हैं, और आजादी मिलने के बाद 4 आक्रमण हो चुके हैं। तो हर बार बाहर के देशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने कभी नहीं किया है, और उस आक्रमण में हमको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है। हिंदी चीनी भाई भाई करते थे पंडित नेहरू, और नुकसान यह हुआ कि चीन हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन ले गया, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते। और जब चीन ने आक्रमण किया था हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो पंडित नेहरू ने आर्मी को वापस लौटने का आदेश दिया, ना कि लड़ने का। ऐसे ऐसे हमारे देश में रीढ़ की हड्डी विहीन नेता हुए कि युद्ध के समय में आर्मी को आदेश दे रहे हैं कि पीछे लौटो बजाय लड़ने के लिए। तो जानते क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था लाठी और डंडों के। चीन ने 47 अणु बम बनाए हैं, वो हमारी छाती पर बैठा है 72,000 वर्ग मील जमीन लेकर। जब ये चीन की दुर्घटना हो गई थी, हिंदी चीनी भाई भाई और जमीन चली गई चीन के कब्जे में, तो राम मनोहर लोहिया ने एक दिन पंडित नेहरू से यह प्रश्न पूछा था कि तुम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और देश की जमीन चली गई चीन के कब्जे में। तो एक दिन पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिए जरा उसको। उन्होंने कहा कि ये जो 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई चीन के कब्जे में, वो बेकार थी, उस पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था, वो बिल्कुल बेकार थी। तो पार्लियामेंट में पंडित नेहरू से सवाल किया गया कि पंडित तुम्हारा सिर भी बेकार है क्योंकि इस पर एक भी बाल नहीं उगता, तो उस जमीन पर घास का एक भी टुकड़ा नहीं उगता था इसलिए तुमने दे दिया चीन को, तो अपना सिर काट के दे दो चीन को क्योंकि यह भी बेकार है, इस पर भी एक भी चुनका नहीं उगता। तो पंडित नेहरू के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला था पार्लियामेंट। तो वो चीन आज भी हमारे लिए खतरा बनकर बैठा हुआ, और वैसी परिस्थिति में अगर हम हमारे देश के सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए ये ना करें तो फिर क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और पाकिस्तान भी बैठा है, गौरी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया और उसी दिन सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर बम बना सकता है, तो वैसी स्थिति में यह करना जरूरी था। मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देरी हुई, परीक्षण उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन गौरी मिसाइल का परीक्षण हुआ था, या तो उसके अगले दिन हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण थोड़ा सा समय लगा। और इसके एक और आगे की बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा हमको नुकसान उठाना पड़ा। आज भी हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये हमारा विश्वास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आंखें बंद करके बैठे रहें।
आज भी हम किसी पर आक्रमण करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। ये हमारी अपनी नीति है, हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। तो हिंदुस्तान की उसी नीति का अनुसरण करने के लिए यह किया गया है। तब इसमें एक आखिरी बात और झुंडती है कि अब अमरीका ने पाबंदी लगा दी है, हमारे सारे तर्क सही होते हुए भी उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है, तो ये अमरीका ने हमारा अपमान किया है। ये पाबंदी नहीं है, ये भारत का अपमान किया है, और इस अपमान का बदला लेना हर भारतीय नागरिक का राष्ट्रधर्म है। तो आप पूछेंगे, राजीव भाई, अमरीका द्वारा भारत के किए गए अपमान का बदला हम कैसे लें? तो मैं आपको एक रास्ता बताने आया हूं कि अमरीका ने ये जो हमारा राष्ट्रीय अपमान किया है पाबंदी लगा के, इसका बदला लेने का हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका यह है कि जिस अमरीका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उस अमरीका के ऊपर हम आर्थिक पाबंदी लगाएं। तो आप पूछेंगे वो कैसे? तो उसका रास्ता बहुत आसान है। हम सब मिलकर अमरीका के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं, अमरीका की एक एक कंपनी को भारत से भगा देंगे, उनके ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाने का सबसे अच्छा तरीका। तो एक एक अमरीका की कंपनी को भारत से भगाना होगा अपने राष्ट्र के अपमान का बदला लेने के लिए। तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा? उसका तरीका और आसान है। आप सब आज जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक संकल्प लेकर जाएंगे, मैं मेरे व्याख्यान के अंत में एक मिनट का एक संकल्प कराऊंगा आप सबको, बिना संकल्प लिए आज कोई नहीं जाएगा, कि हम अपने जीवन में किसी भी अमरीकी कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले पेप्सी कोला का बहिष्कार करिए। यह अमरीका की ऐसी कंपनी है जिसको मैं सबसे बदमाश कंपनी मानता हूं, सबसे बेईमान। तो पेप्सी कोला का बहिष्कार करिए, यह अमरीकी कंपनी है, और कोका कोला का भी बहिष्कार करिए क्योंकि यह भी अमरीकी कंपनी। तो आप पेप्सी पिएंगे नहीं, कोका कोला पिएंगे नहीं, तो फिर आप पूछेंगे क्या थम्सअप पी लें, लिम्का पी लें? वो भी नहीं पीना, क्योंकि थम्सअप, लिम्का, सिट्रा सब अमरीकी हो गया। पहले हमारे देश का था, पार्ले का था, अब वो पार्ले कंपनी कोका कोला में घुस गई, कोका कोला ने उसको खरीद लिया। तो अब अगर आप थम्सअप पीते हैं, लिम्का पीते हैं, सिट्रा पीते हैं, तो भी आपका पैसा अमरीका ही जाता है। इसलिए हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला पिएंगे नहीं, थम्सअप पिएंगे नहीं, लिम्का पिएंगे नहीं, सिट्रा पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं पिएंगे। अमेरिका और यूरोप के देशों में लोग बहुत पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, थम्सअप, पेप्सी कोला बहुत पीते हैं वहां के लोग, और इसलिए वहां किडनी सबसे ज्यादा खराब होती है, बर्बाद होती है। और वहां अमेरिका में जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो कोई किसी को अपनी किडनी दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिका का समाज नितांत स्वार्थी समाज है, उनके लिए डॉलर भगवान है, बाकी कोई चीज नहीं। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, मरते हैं फिर लोग वहां किडनी बर्बाद करके। फिर क्या होता है, वहां के अखबारों में बड़े बड़े जाहिरात छपते हैं, और उन जाहिरातों में कहा जाता है कि कोई किडनी दान करे उसको 5 लाख देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। तो फिर हमारे यहां कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर पैदा हो गए हैं जो यहां के लोगों का पेट चीरकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं और अमरीका में ले जाकर बेचते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में अभी 3 ऐसे क्लिनिक बंद किए हैं सरकार ने, जिन क्लिनिक्स में डॉक्टर गरीब मरीजों का पेट चीरकर उनकी किडनी निकालते थे और अमरीका ले जाकर बेचते हैं। तो चूंकि अमेरिका में किडनी बहुत बर्बाद होती है, और किडनी बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है पेप्सी कोला, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप मत करिए अपनी दोनों किडनियां बर्बाद। और भगवान की दी गई अगर 2 किडनियां आपकी बर्बाद हो गई तो आपको उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तकलीफ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को हो रही है इस समय, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और आजकल लंदन में है। 24 घंटा जिंदा रहने के लिए उनको 8 घंटे डायलिसिस पे रहना पड़ता, और 8 घंटे कोई आदमी अगर डायलिसिस पे पड़ा हुआ है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपका दिल कांप जाएगा, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मत पीजिए पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, और इसलिए भी मत पीजिए कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, आजादी के 50 साल हो गए। आजादी के 50 साल के बाद इस देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है, करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। यवतमाल में मैं अभी गया था व्याख्यान देने, उस जिस दिन मेरा व्याख्यान था उसी दिन यवतमाल का एक नौजवान 25 साल की उम्र का पानी ना मिलने के कारण प्यासा मर गया तड़प तड़प कर। तो अखबार में जब खबर छपी तो मैंने अखबार के संवाददाता से पूछा था कि यह खबर तो आपको पता चल गई इसलिए छप गई,
ऐसे तो हमारे देश के दूर के गांव में, आदिवासी गांव में कितने लोग मरते होंगे पता ही नहीं चलता हमको। तो हमारे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं है, 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। वैसी स्थिति में अगर आप पेप्सी पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं, इसलिए आप मत पीजिए। तो पहला निवेदन है कि आप अपने जीवन में पेप्सी, कोका, थम्सअप, लिमका पिएंगे नहीं और अपने किसी मेहमान को पिलाएंगे नहीं कभी। और एक तीसरा, एक कदम और आगे की बात करना चाहता हूं आपसे कि ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों में आप जाएंगे नहीं जहां पेप्सी कोला बटेगा या कोका कोला बटेगा। अगर किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी की बारात जा रही है और उसमें अगर पेप्सी और कोका कोला कोई बांट रहा है, तो पूरी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ उनसे कहिए कि माफ करिए, आज हम इस देश में अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए आपके शादी ब्याह में आने का हमारा कोई मन नहीं है, क्योंकि आप पेप्सी कोला बांट रहे हैं, कोका कोला बांट रहे हैं। तो हो सकता है उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि आए और वो पेप्सी की जगह नारियल का पानी बंटवाएं या गन्ने का रस बंटवाएं या दही की लस्सी बंटवाएं या दही की छाछ बंटवाएं। तो हम नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं और ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे नहीं जहां पेप्सी और कोका कोला बटेगा। और इससे आगे की एक बात और कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो भी भाई पेप्सी कोला बेच रहा है, कोका कोला बेच रहा है, उससे भी हम अपील करेंगे कि तुम भी ये धंधा बंद करो, नहीं तो पेप्सी बेचने वाले, कोका कोला बेचने वाले भाई के घर के पास जाइए और उसकी दीवार पर काले रंग से लिख दीजिए कि ये अमरीकी एजेंट है। व्यापार करिए, धंधा करिए, लेकिन ऐसा व्यापार और ऐसा धंधा मत करिए जिसका पैसा अमरीका जाए और हमारे दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई को कमजोर बनाए। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे व्यापारियों को भी थोड़ा सा जोश आएगा, हिम्मत आएगी और वो पेप्सी कोला की एजेंसी छोड़ेंगे, कोका कोला की एजेंसी छोड़ेंगे। और ये हो रहा है, पूना में, दक्षिणी पूना का जो सबसे बड़ा पेप्सी कोला का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने मेरे व्याख्यान में जाहिर में घोषणा की थी आकर मंच पर कि आज के बाद मैं पेप्सी कोला की एजेंसी छोड़ दूंगा, और उसने धंधा बंद कर दिया। पूना में एक व्यापारी भाई है जो प्रतिदिन 4 लाख रुपए का परदेशी माल बेचता था अपनी दुकान पर, उसने घोषणा की कि मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन ये परदेशी माल नहीं बेचूंगा। तो ऐसे देश में अभी भी व्यापारी जिंदा हैं जिनमें राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। उन व्यापारियों की राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को थोड़ा सा जागृत करिए, वो भी इस धंधे से बाहर आएंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन, कि आपके घर में एक और अमरीकी कंपनी का माल सबसे ज्यादा आता है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। इसका टूथपेस्ट आपके घर में आता है, इसका साबुन आपके घर में आता है, इसकी शेविंग क्रीम आपके घर में आता है, तो ये सब मत खरीदिए। तो कॉलगेट नहीं खरीदेंगे आप, तो आप पूछेंगे राजीव भाई क्या क्लोजअप खरीद लें? क्लोजअप भी मत खरीदिए, वो भी परदेशी कंपनी का। तो कॉलगेट नहीं, क्लोजअप नहीं, सिवाका नहीं, फोरहंस नहीं, पेप्सोडेंट नहीं, ये सब परदेशी कंपनियों। कॉलगेट, क्लोजअप, सिवाका, फोरहंस, पेप्सोडेंट कैसे बनते हैं उसका एक नमूना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले दमन गया था, दमन में एक भाई पेप्सोडेंट बनाता है और उस कंपनी को बेचता, सब कॉन्ट्रैक्टर है। पहले वो कॉलगेट बनाता था और बेचता था उस कंपनी को। तो वो भाई मेरे व्याख्यान में आया और मेरे बाजू में आके बैठ गया कुर्सी पे, मुझे मालूम नहीं था कि ये करता क्या। तो एक आदमी ने आके कान में मेरे कहा, राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा है ये वही आदमी है जो पेप्सोडेंट कंपनी को माल बना के देता। तो मैंने कहा, भाई तू मेरी बगल में आके क्यों बैठ गया? तो कहने लगा, राजीव भाई मैं आज संकल्प लेना चाहता हूं। मैंने कहा, पहले ले ले तब बैठना मेरे पास आके। तो उसने संकल्प लिया और मैंने उसको एक ही बात कही कि तू अगर पेप्सोडेंट कंपनी को माल बना के दे सकता है तो तू खुद अपने नाम से क्यों नहीं बेचता? तो उसने कहा, आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा, आप सोचने के लिए रास्ता खुल गया। फिर मैंने उससे एक और बात पूछी कि भाई जरा ये बता कि जो तू पेप्सोडेंट बनाता है उसको तू खुद करता है? तो कहता, मैं कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। मैंने कहा, तेरे परिवार में कौन कौन करता है पेप्सोडेंट? कोई नहीं करता। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगा, मुझे मालूम है कि मैं पेप्सोडेंट में क्या क्या मिलाता हूं, इसलिए मैं खुद कभी पेप्सोडेंट नहीं करता। और क्या बेवकूफी हमारे लोग करते हैं, सवेरे ही सवेरे उठते हैं और शीशे में देखकर टूथपेस्ट रगड़ते हैं अपने मुंह में, माने अपनी बेवकूफी देख रहे हैं शीशे में, यहां से सफेद सफेद निकलता है, यहां से सफेद सफेद निकलता, पूरा मुंह गंदा हो जाता है और देख देख के शीशे में कर रहे हैं उसको। काहे को ये बेवकूफी कर रहा है? और बहुत लोग ब्रश रगड़ते हैं, पता है क्यों? ये कहते हैं, राजीव भाई खाते खाते जब दांत में कुछ फंस जाता है तो ब्रश ही तो बाहर निकालता है,
तो मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि जब भी आपके दांत में कोई चीज फंस जाती है खाते खाते, तो बताइए क्या होता है? आप कुछ खा रहे हैं, खाते खाते आपके दांत में फंस गया, तो आप देखेंगे आपकी जो जीभ है ना, बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करेगी और उसी जगह स्ट्राइक करती रहेगी जहां कुछ फंस गया है। और जितनी देर वो फंसा रहेगा, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगी, चलता ही रहेगा काम, चलता ही रहेगा, चलता ही। और उतनी देर आपको भयंकर टेंशन रहेगा। और जैसे ही वो आपके दांत से निकल जाएगा, आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? दांतों में छिपे हुए अन्न कणों को बाहर निकालने का काम जीभ करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए टूथब्रश करने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे यहां टेलीविजन पे विज्ञापन आता है, एक कंपनी कहती है हमारा टूथब्रश बहुत मुलायम है, दूसरी कंपनी कहती है उससे ज्यादा मुलायम हमारा, तीसरी बताती है कि देखो कितना दब जाता है, चौथी बताती है देखो कैसे मुड़ जाता है। अरे ये सब बेवकूफी है, नीम के दातुन को चबाइए, जो क्वालिटी का टूथब्रश बनता है वो कोई कंपनी नहीं दे सकती बना के। ऐसे ही मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अभी मुझे इस देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो संकल्प ले सकें देश के लिए, क्योंकि ये जो समय आज इस देश के सामने है ये बहुत अच्छा समय है। हम थोड़े थोड़े भी संकल्प लेंगे अगर इस देश के लिए, तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो देश के लिए संकल्प वही ले सकता है जिस व्यक्ति की आत्मशक्ति मजबूत हो, शरीर मजबूत हो ऐसा नहीं, आत्मशक्ति मजबूत हो, वही व्यक्ति संकल्प लेता, सब संकल्प नहीं लिया करते। और आत्मशक्ति मजबूत अगर करनी है तो उसका एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि आप व्यसन करना बंद कर दीजिए। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए, पान पराग तंबाकू गुटखा मावा खाते हैं तो वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यसन करने से आदमी की आत्मा कमजोर होती है और आदमी संकल्पहीन हो जाता। शरीर का नुकसान होता वो तो एक बाजू में है, व्यसन करने से शरीर का कितना नुकसान होता वो आप सब जानते हैं, कैंसर हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन शरीर से ज्यादा आत्मा का नुकसान होता है और आदमी संकल्पहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि व्यसन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज इस देश को संकल्पवान लोगों की जरूरत है। देश के लिए व्यसन छोड़िए तो क्या फायदा होगा? अगर हमारे देश के नौजवान ये गुटखा खाना बंद कर दें, पान पराग खाना बंद कर दें, मावा खाना बंद कर दें, माणकचंद खाना बंद कर दें, तो जानते हैं क्या फायदा होगा? भारत सरकार ने एक बार कहा था कि पूरे देश में 5,000 करोड़ का गुटखा बिकता है एक साल, तो 5,000 करोड़ का गुटखा हमारे कुछ लोग खा जाते हैं, इतने पैसे का तो जानवर भोजन भी नहीं करते। तो ये 5,000 करोड़ का अगर गुटखा खाना बंद कर दें हमारे नौजवान, एक साल अगर गुटखा ना बिके, 5,000 करोड़ की बचत हो, तो क्या हो सकता है जानते हैं? ये 5,000 करोड़ रुपया हम गुटखा नहीं खाएंगे अगर देश के लिए बचा लें और इसी पैसे को हम एनएससी में डाल दें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो ये 5 साल के अंदर 2 गुना हो जाएगा। तो 5,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ हो जाएगा, 10 साल के अंदर ये 20,000 करोड़ हो जाएगा, 15 साल के अंदर ये 40,000 करोड़ हो जाएगा, 20 साल के अंदर ये 80,000 करोड़ हो जाएगा, 25 साल के अंदर ये 1,60,000 करोड़ हो जाएगा, और 30 साल के अंदर ये 3,20,000 करोड़ हो जाएगा, और 35 साल के अंदर ये 6,40,000 करोड़ हो जाएगा। जानते हैं ये कितना पैसा है? पूरे हिंदुस्तान का सारा विदेशी कर्ज चुका देंगे हम। तो क्या इतना नहीं हो सकता कि इस देश के नौजवान गुटखा नहीं खाएं, माणकचंद नहीं खाएं, पान पराग नहीं खाएं और हम सारा विदेशी कर्ज चुका दें? और एक साल हम नहीं खाएंगे तो 35 साल में विदेशी कर्ज चुक जाएगा। हम हमेशा के लिए खाना बंद कर दें तो शायद 1-2 साल में ही विदेशी कर्ज चुक जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन और है कि व्यसन छोड़िए अपने जीवन में, और व्यसन छोड़ने के साथ साथ एक व्यसन और छोड़िए, शराब बंद करिए, गुटखा बंद करिए, बीड़ी तंबाकू सिगरेट सब बंद करिए। एक और व्यसन है जो रोज हम करते हैं, चाय और कॉफी का। मुझे आपके जीवन से यह संकल्प चाहिए कि आप हमेशा स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे, कभी भी परदेशी माल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक आखिरी निवेदन मुझे आपसे और करना है कि आपके घर में हमेशा स्वदेशी आए, कभी भी परदेशी माल ना आए। इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, अपने घर का टेलीविजन बंद कर दीजिए। अभी एक दुर्घटना हुई पूना में, मैं जाहिर व्याख्यान कर रहा था, उसमें एक डॉक्टर भाई मेरे पास आया और उसने कहा, राजीव भाई पूना शहर में एक लड़की है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई है और हॉस्पिटल में है, मेंटल हॉस्पिटल।
चंद्रपुर में अभी एक दुर्घटना हुई। मैं चंद्रपुर गया था व्याख्यान करने, तो एक मजदूर भाई आया मंच पर रोता 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 रोता। मैंने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा? कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का सत्यानाश हो गया। मैंने कहा, क्यों? कि टीवी के कारण। मैंने कहा, क्या सत्यानाश हुआ तेरे घर में? तो उसने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा है, वो रोज जिद करता था टेलीविजन लेने के लिए, और मैंने टेलीविजन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। तो वो क्या करता था, पड़ोसी के घर में जाकर टीवी देखता था। एक दिन मुझे लगा तो मैंने बैंक से कर्जा लेके टीवी ले लिया। तो मैंने कहा, फिर क्या हुआ? कहने लगा, मेरा बच्चा जो 11 साल का वो देखता था कार्यक्रम, उसका नाम है शक्तिमान, पता नहीं क्या आता है उसमें। तो वो मुझे बताने लगा कि शक्तिमान में कोई हीरो है जो आसमान में सेट होता है, घूमते घूमते जमीन नीचे आता। तो वो 11 साल का बच्चा बार बार देखता था, लगातार देखता था। एक दिन वो भी अपनी छत पर से घूमते घूमते कूद गया, उसके दोनों पैर टूट गए। डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ने कहा कि अभी हड्डी तो टूटी, उसके साथ पैरालिसिस भी हो गया और दोनों पैर उसके हमेशा के लिए बेकार। तो उस मजदूर ने कहा कि मैंने तो जो कर्जा लेके टीवी खरीदा, उसने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि एक ही बेटा था उसके पास 11 साल का, वो भी चला गया था। टीवी देखने का क्या असर होता है बच्चों? अहमदाबाद में एक 7 साल की बच्ची ने पिछले साल 1.5 साल के अपने भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, क्योंकि उसका जो भाई था वो काले रंग का था और उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में हर चीज साफ हो जाती है। तो उस बच्ची ने डाल दिया अपना भाई वॉशिंग मशीन और बटन चला दिया, उसके बाद बच्चा मर गया। अब उसमें बच्ची का क्या कसूर है? वो टीवी पे देखती थी बार बार लगातार, उसने किया, वो तो भोली है, उसके मन में तो कुछ भी नहीं। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में एक शहर है लखनऊ, वहां क्या हुआ, एक 4.5 साल का बच्चा था, रोज चित्रहार देखता था ATN पर जो आता, और उसमें एडवर्टीजमेंट बहुत आते हैं। तो क्या देखता था वो बच्चा, एक एडवर्टीजमेंट आता था थम्सअप का विज्ञापन, जिसमें एक लड़का पैर में रस्सी बांधकर उल्टा कूदता था और एक थम्सअप की बोतल लेके आता था। तो एक दिन वो 4.5 साल के बच्चे ने अपने पैर में रस्सी बांधी, छत पर से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। अब उसमें बच्चे का क्या करते? विज्ञापन ही ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसको बच्चे देखेंगे सुनेंगे फिर फॉलो करेंगे। और हमारे देश में आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जो टेलीविजन पर इस तरह के विज्ञापनों की रोक लगाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो टेलीविजन बंद कर दी, ना हो कि जो दुर्घटनाएं लंदन में हो रही हैं वो हमारे घरों में होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने दिल्ली में एक सर्वे कराया था आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 3 साल पहले, और हमको पता चला कि दिल्ली के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हालत यह है कि उनमें से 70% विद्यार्थी सेक्स के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है जो एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वो और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। प्रतिदिन वो 25 से 30 लड़कियों के गर्भपात कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हारे क्लिनिक में अगर ये हालत है तो दिल्ली में ऐसे तो सैकड़ों क्लिनिक होंगे। उन्होंने कहा, है हमारे देश में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बहनों के गर्भपात होते हैं, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। तो ये दुराचार आ कहां से रहा है और ये बच्चे दुराचारी कहां से बन रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं? तो ये सब टेलीविजन सिखा रहा है, सिनेमा सिखा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ये टेलीविजन आपके बच्चों को बचपन में जवान ना बना दे और आपके बच्चे दुश्चरित्र ना हो जाएं, उससे पहले आप ये टीवी बंद कर दीजिए। और अगर आपके बच्चों का चरित्र खलास हो गया तो आपका मां बाप होना बेकार। इससे चलते एक आखिरी बात और कह रहा हूं कि इस टेलीविजन के माध्यम से अमरीकी कंपनियों का सबसे ज्यादा जाहिरात करने वाला इस समय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा पेप्सी कोला का जाहिरात करता, सबसे ज्यादा कोका कोला का जाहिरात करता। अभी एक अमरीकी कंपनी है एडिडास, उसके साथ सचिन तेंदुलकर ने समझौता किया है, 1 करोड़ रुपया वो लेगा साल भर में और एडिडास का जूता बिकवाएगा। माने सारी अमरीकी कंपनियों का भारत में धंधा बढ़ाने का काम सचिन तेंदुलकर कर रहा है और हम अमरीकी कंपनियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस गांव से हजारों की संख्या में सचिन तेंदुलकर को चिट्ठी भेजिए और उसको ये लिखिए कि हम पूरे देश में अमरीकी कंपनियों के खिलाफ बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं, अमरीका ने राष्ट्र का अपमान किया है, हमारे देश पर पाबंदी लगाई है, हम तुमसे निवेदन करना चाहते हैं कि तुम इन अमरीकी कंपनियों का जाहिरात करना बंद करो। हो सकता है उसको भी राष्ट्रभक्ति पैदा हो। और उस चिट्ठी में दूसरी बात और लिखिए कि तुमको कितना पैसा चाहिए, पैसे के लालच में ही करता है वो ये सब, पैसे की कमी नहीं है उसके पास, उसके घर में सिर्फ 3 लोग हैं, वो, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, और करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, फिर किस बात का लालच पैसे का।
तो उससे कहिए कि तुमको पैसे का इतना लालच क्यों है, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, राष्ट्र के सम्मान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। और उसको लिखो कि हम तुमसे विनम्रता से कह रहे हैं कि तुम ये धंधा छोड़ दो परदेशी कंपनियों का जाहिरात करना, नहीं तो हम तुमको भी अमरीका का एजेंट घोषित करेंगे इस देश, और तब तुमको इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय समाज ने तुम्हारा बहिष्कार किया तो दुनिया में कहीं भी तुमको इतनी इज्जत मिलने वाली नहीं है। यहां से भागकर अगर वो अमरीका भी चला गया तो अमरीका में उसको कोई नहीं पूछेगा दो कौड़ी में, क्योंकि अमरीका में क्रिकेट खेलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। सत्यानाश कर रहा है क्रिकेट का खेल कि हम बैठ जाते हैं टेलीविजन खोलकर जब कहीं मैच होता, और परेशान होते हैं किस बात के लिए, 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं, तो अब 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं, वो मरे जाए भाड़ में चूल्हे में, हमसे क्या लेना देना, हम काहे को अपना बीपी हाई कर रहे हैं लो कर रहे हैं। मैच चल रहा है 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं, हम उछलते हैं टीवी के सामने, और उसी समय अगर कोई आउट हो गया तो इतना डिप्रेशन आता है जैसे घर का कोई आदमी मर गया। अपने मां बाप मर जाए तो भी इतना दुख नहीं होता कि इंडिया की टीम हार गई, हारे जीते उससे क्या लेना देना, खेल है तो खेल में तो हार जीत होती रहती है। लेकिन अब क्रिकेट खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा सट्टा है, एक बहुत बड़ा धंधा है, और अब क्रिकेट सट्टे के लिए खेला जाता है, धंधे के लिए खेला जाता है। राष्ट्र के सामने इतने गंभीर प्रश्न हैं और इतनी गंभीर चुनौतियां खड़ी हुई हैं, और हम राष्ट्रीय प्रश्नों पर चिंतन नहीं कर सकते।